विदिशा के जिला अस्पताल में वार्ड बॉय और सफाई कर्मचारियों ने वेतन न मिलने के विरोध में धरना प्रदर्शन किया। जिला अस्पताल के गेट पर सभी कर्मचारी एकत्रित हुए और 40 दिनों से वेतन न मिलने पर नाराजगी जताई। कर्मचारियों का कहना है कि वेतन को लेकर हमेशा बहाने बनाए जाते हैं, जिससे उन्हें आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। चंदन वाल्मीकि और चेतन मालवीय ने बताया कि पिछले 40 दिनों से वेतन नहीं मिला है, साथ ही 4 महीने से पीएफ का भी भुगतान नहीं किया गया। कर्मचारियों ने चेतावनी दी है कि यदि शाम तक वेतन नहीं दिया गया तो वे कल से बड़े पैमाने पर धरना प्रदर्शन करेंगे। सब दिया बिल्कुल उसने काम बंद कर दिया, बंद कर दिया। इधर तो देखो भाई, इधर तो देखो नहीं मिलेगी। आपका? मेरा नाम चेतन मालवीय है, मैं डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में सरकारी बोर्ड वर्क करता हूँ। अच्छा, आपकी कब से सैलरी नहीं आई है? हम लोगों की सभी की वेतन रुका 40 दिन का पूरा, जिसमें अभी तक का हमारा 4 माह का पीएफ भी आया है और अभी 8 माह का पीएफ नहीं मिला और 1,000 पुराना पेमेंट में भी। अच्छा, तो अभी क्या बोल रहे हैं ठेकेदार वगैरह? हमारे ठेकेदार साहब ने अभी आश्वासन दिया सबको कि भैया आपकी सैलरी आज तक डल जाएगी, मगर अभी तक के वर्तमान में आज की तारीख भी पूरी हो चुकी जो ना आई है। फिर अभी सुपरवाइजर से आपने लिए थे? अभी थोड़ी देर तक कल पहले हमारे सुपरवाइजर बात करी थी ठेकेदार साहब से, उनने कहा आज शाम तक डल जाती ठीक है, नहीं तो कल से हम सब जने धरना प्रदर्शन पे बैठेंगे। धरने का मेरा नाम चंदन वाल्मीकि है। आज 40 दिन की सैलरी ये नहीं दे पा रहा, जिसके लिए हमारी कंपनी खत्म हो गई है। ये सैलरी देवे आज कल कर रहे हैं, तब तुम बताओ तो और बिल्कुल मूड पे जाएगा, हम क्या कर सकते हैं? अभी तो ये कह रहे हैं शाम तक मिल जाएगी। साहब आज 8 दिन हुए घुमाते घुमाते, अभी तक नहीं आई। और आज 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 भी मैंने बात करी थी इनके मैनेजर से, वो कहे कल परसों में होगी, अब जो कह रहे आप शाम तक हो जाएगी। कितने कर्मचारी हो आप लोग? करीबन करीबन 22-23 कर्मचारी। जी सर, हाँ जब तक सैलरी नहीं हुई साहब जब तक। सर आउटसोर्स कर्मचारी का आज सुबह धरना रहा था सैलरी को लेकर, 40 दिन से नहीं मिली। जिला अस्पताल में आउटसोर्स कर्मचारियों के वेतन संबंधी भुगतान को लेकर कुछ समस्या थी, जिसके संबंध में वो धरना प्रदर्शन कर रहे थे। इस संबंध में जानकारी प्राप्त की गई है तो सिविल सर्जन द्वारा बताया गया है कि उनकी संबंधित पक्षकारों से चर्चा हो गई है और उनका वेतन का भुगतान अतिशीघ्र करवा दिया जाए।